नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लगातार पल-पल छोटी बड़ी खबरों के साथ। और सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अपने इष्ट मित्र गुरुजनों का, और कब बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि आप लोग अपना अमूल्य समय देकर के हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं और खबरों को लाइक और शेयर और कमेंट करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपको वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आपको बताते चलें कि कुछ मामला प्रधान के गुर्गों का और उनके घरे लू बच्चों का एक प्रकरण और दबंगई का उभर के आया है। मामला प्रकाश में, ये रेवसा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक कॉलर ने 100 पर कॉल की और उसके बाद जब 100 कॉलर का 100 के आरक्षी वहां पर पहुंचे तो उनके साथ भी अभद्रता की और काफ़ी सरकारी काम में बाधा भी डाली और उसके बाद उन पर हावी हो गए और काफ़ी दबंगई और गुंडागर्दी की इन 100 के आरक्षियों के साथ। तब कि उनको अन्य अपने स्टेशन अफसरों का और पुलिस का सहायता लेनी पड़ी और तत्काल अपने उच्च अधिकारियों को उन्होंने बताया, लेकिन जाबाजी और उनके शाबाशी को दाद देनी होगी कि बड़ी सूझबूझ से वो काम लिया और वो लोग प्रधान के गुर्गे और घर प्रधान के घर के लड़के एक युवक को किशोर को पीट रहे थे निर्ममतापूर्वक और उसी ने कॉल किया कि ये हालात हैं। और बस कसूर ये था उसका कि वो किसी के बात में बीच में बोल दिया था, उसी बात को लेकर ये मामला आया है। एक प्रधान ग्राम मोहाला की घटना है, जहां पर करीब 11 बजे रात बीती रविवार की घटना है, जहां पर 100 के आरक्षी पहुंचे, उनके साथ काफ़ी अभद्रता की और जहां पर तत्काल सूचना पर थाना प्रभारी नोवेंद्र सिंह सिरोही भी घटनास्थल पर पहुंचे और 100 की अनेक 18, 15 और 16 अन्य दोनों गाड़ियां PRB भी पहुंची, जहां पर एक सूझबूझ से मौके से उन गुर्गों को प्रधान के जो है दबोच लिया गया और उनको पकड़कर रेवसा लाया गया, जहां पर आरक्षियों की तरफ से सरकारी काम में बाधा डालने और दबंगई के का संबंधित धाराओं में उन पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी ने उनको जेल भेज दिया गया है। कुछ आप तस्वीरें और बैठें उन गुर्गों की और आरक्षियों की बयान हमारे पास कैद हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये मामला एक प्रधान के बच्चों के गुंडागर्दी का मामला है, क्योंकि जहां पर एक खाकी वर्दी पे उन्होंने हाथ डाला है और इस कदर से हाथ डाला है, लेकिन उन आरक्षियों की शाबाशी देनी होगी कि बड़ी सूझबूझ के साथ उन्होंने सराहनी और कार्य लिया और जिससे कि कई 100 आरक्षी दोनों 18, 15 और 16 की गाड़ियों का भी सहयोग लेना पड़ा और वहीं पर थाना प्रभारी का भी सहयोग लेना पड़ा। मौके पर घटनास्थल पर जा करके और घेराबंदी करके उन गुर्गों को पकड़ा गया। प्रधान के एक घर के बताए जा रहे हैं और प्रधान के बेटे हैं, जिन्होंने ऐसी अभद्रता एक 100 खाकी वर्दी के साथ की है और ये काफ़ी गुंडागर्दी और दबंगई का मामला प्रकाश में आया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं किस कदर से ये हावी हुआ। और वहीं पर थाना प्रभारियों ने इन पर सख्त कार्रवाई करते हुए अपने अधिकारियों को उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उनको जेल भेजने की कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाई। आप लोगों ने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीचे लिखी डिस्क्रिप्शन में खबर भी पढ़ सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि किस कदर से आरक्षियों के बयान हैं कि वो गए और क्या उनके साथ हुई, लाठी डंडे लेकर और यहाँ तक कि चाकू की बात आ रही है, जो चाकू लेकर भी उन पर खाकी वर्दी पर दबंगई की गई है और वो इतना बड़े गुंडा और दबंगई उनकी साबित हुई कि एक किशोर को वो अपनी बेरहमी से पीट रहे थे, तभी कॉलर ने कॉल की और तब ये पहुँचे, तब इन पर भी वो हावी हो गए। क्या नाम है तुम्हारा? शिवमंगन। पिताजी का क्या नाम है? कहाँ रहते हो? किसके लड़के हो? लल्ला के। प्रधान है? आपका क्या नाम है? गोविंद। पिताजी का नाम? अच्छा अच्छा, सगे भाई हो? ये 100 दो पहिया वाहन है और पुलिस की वाहन है, UP 32 DG 33 32 और ये रेवसा थाने की 100 पुलिस की गाड़ी है। क्या नाम है तुम्हारा?
शिवमंगन, पिताजी का क्या नाम है? कहाँ रहते हो? किसके लड़के हो? लल्ला के। प्रधान है? आपका क्या नाम है? गोविंद। पिताजी का नाम? अच्छा, सगे भाई हो?